हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हरियाणा की 25 दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आ गए हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से, एक एक करके मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहता हूं। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर पहला सा लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। हरियाणा में लॉकडाउन 5 का दूसरा दिन। सरकारी दफ्तरों में 15 जून तक पब्लिक डीलिंग नहीं, बस टिकट ऑनलाइन ही बुक होंगे। यात्रा में आईडी प्रूफ जरूरी, प्रदेश में 30 जून तक के लिए गाइडलाइंस जारी। वहीं आगे बढ़ते हैं हरियाणा का कोरोना अपडेट को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में 2356 लोग संक्रमित हो चुके हैं इस कोरोना से और वहीं 1057 लोग ठीक होकर घर भी पहुंचे हैं। आपको बता दें, कोरोना संक्रमित को लेकर के लॉकडाउन से अनलॉक होते ही 14 जिले में 24 घंटे में 265 मामले आए हैं। वहीं आपको बता दें, कैथल की एक ही कॉलोनी में 9 संक्रमित मिले हैं। वहीं प्रदेश भर में महज 7 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 1057 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। गुड़गांव में फिर से 129 मामले आए हैं, सिरसा में 28 तो फरीदाबाद में 25 नए केस आए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें, कुरुक्षेत्र से है, उपलब्धि है बड़ी। एजुकेशन वर्ल्ड की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को 68वां स्थान प्राप्त हुआ है। और वहीं भी बड़ी खबर है, इंतजार हुआ है खत्म। केरल में समय पर पहुंचा मानसून, हरियाणा 28 जून को पहुंचेगा। 8 जुलाई तक पूरे प्रदेश में छा जाएगा। देश में आई मानसून की पहली बौछारें, मौसम विभाग ने कहा देश में सामान्य बारिश होगी। अगली बड़ी खबर है, कोरोना संकट है हरियाणा के। दिल्ली के सैंपलों की गुड़गांव की निजी लैबों में भी जांच, पूरा रिकॉर्ड भी नहीं दे रही है, 20 लैब को नोटिस। और अगली बड़ी खबर है, हरियाणा में सैलून, शादियों और मंदिर व अन्य धार्मिक स्थल खोलने के लिए जल्द जारी होंगे दिशा निर्देश। ये जानकारी है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। और बड़ी खबर आ रही है शराब घोटाला को लेकर, जांच पर उठाए पूर्व सीएम हुड्डा ने सवाल, बोले केंद्रीय एजेंसी जांच करे, इस कमेटी के पास तो कोई शक्ति ही नहीं है। हिसार से अगली बड़ी खबर आ रही है, गोरखधाम एक्सप्रेस आज सुबह 10 बजे पहुंचेगी हिसार, सभी यात्री किए जाएंगे क्वारंटीन। और सोनीपत की बात करें, लापरवाही देखने को मिली है, बिना परमिशन के जन शताब्दी से सोनीपत आए 13 रेलकर्मी अफसरों ने लगाई फटकार, होम क्वारंटीन किया गया है। सिरसा की बात करें, लॉकडाउन के 70 दिन बाद खुला रेलवे आरक्षण केंद्र, सरकार द्वारा रेल संचालन दोबारा बहाल किए जाने के बाद आरक्षण केंद्र खोले गए हैं। रोहतक की बात करें, शराब तस्कर भूपेंद्र की जमानत पर अब 11 जून को होगा फैसला, गुजरात पुलिस को प्रोटेक्शन वारंट पर देने को बाद में सुनवाई। वहीं अगली बड़ी खबर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से आ रही है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में 5वीं रैंक प्राप्त की है। वहीं विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रदेश में दूसरे स्थान पर रही है। कुरुक्षेत्र से अगली बड़ी खबर आ रही है, पंचायती जमीन पर धान पाबंदी के फैसले को वापस ले सरकार, ये कहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अगली बड़ी खबर है, विज्ञापन क्रमांक 6/2006 कैटेगरी 23 के तहत लगे पीटीआई को मौलिक शिक्षा निदेशालय द्वारा हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर है, इस्तीफे के बावजूद कम नहीं हुई आईएएस रानीनगर की मुश्किलें, ना कैडर बदला ना सुरक्षा मिली। और जापानी कंपनियों ने हरियाणा में निवेश करने के लिए दिखाई गहरी दिलचस्पी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी की संयुक्त रूप से अध्यक्षता में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में हुई है ये बात। करनाल से बड़ी खबर आ रही है, कबूतरबाजी मामला, अवैध रूप से विदेश भेजने वाले 4 आरोपी एजेंट गिरफ्तार, पुलिस ने लिया 3 दिन का रिमांड। अवैध रूप से अमेरिका गए 76 नागरिकों को कोरोना वायरस के दौरान किया गया था डिपोर्ट। इसी मामले में मंत्री अनिल विज के आदेश पर जिलेवार दर्ज हो रहे हैं आरोपी एजेंटों पर मामले। और अगली बड़ी खबर है, नई नींद है चंडीगढ़ से आ रही है, अगस्त तक नई औद्योगिक नीति 2020 तैयार होगी, औद्योगिक श्रमिकों को भी कौशल विकास का प्रशिक्षण देना होगा, ये जानकारी दी है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। और जिनसे बड़ी खबर है, लॉकडाउन को लेकर के बाजार खोलने को लेकर व्यापार मंडल के कुटों में तनातनी, थाने में बनी सहमति, रविवार को बंद रहेगी शहर की दुकानें। और अगली बड़ी खबर है, करनाल से आ रही है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बावजूद फाइनल नहीं हो पा रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, बार बार सीएम को कराना पड़ रहा है बदलाव। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चक्कर में नगर निगम भी विकास कार्य पर फोकस नहीं कर पा रहा है।
और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आखिरी खबर आ रही है चंडीगढ़ से आ रही है। कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार, सभी जिलों का बनेगा मैप, कोरोना जांच की लैब समेत होगी पूरी जानकारी। प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा पूरा कर्फ्यू। तो इसी के साथ आप सभी के लिए दिन भर की 25 फटाफट खबरें कैसे लगी हैं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना, इससे क्या होगा आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।